हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम देवव्रतो, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। दोस्तों इस चैनल में मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहूँगा आप लोगों के लिए, और प्लीज़ आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं और अपना शरीर को हेल्दी और फिट बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारा बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। ठंडा बॉडी में एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी को चोट लग सकता है। तो दोस्तों हम पहले साइड जंप करेंगे, ऐसे दोनों पर मिला के यहाँ से साइड जंप करेंगे, और साइड जंप करेंगे हम पंजा पे। पैर को हमारा जो नी है उसको फोल्ड नहीं करना, और ध्यान रखना हाथ को शोल्डर लेवल से ऊपर जाने नहीं देना। यहाँ से 15 से 20 बार साइड जंप करना, फिर वहाँ से ऊपर जंप करके सिंगल लेग स्टेप अप करेंगे एक पैर का 5 से 6 बार, फिर लेग चेंज करके दूसरा पैर में, वो भी पंजा का ऊपर जंप होगा। फिर यहाँ से कमर पकड़ना और साइड किक करना, साइड किक एक साइड में 5 से 6 बार करना, कमर को रोटेट देना ऐसे। फिर यहाँ से हम करेंगे बॉडी ट्विस्ट। बॉडी ट्विस्ट में ध्यान देना हमारा जो नी है वो बिल्कुल फोल्ड नहीं होगा, और ये 15 से 20 बार अब करना है। फिर दोस्तों फाइनली हमारा बॉडी वार्म अप हो चुकी है, अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग सिट अप। दोस्तों ऐसा एक मैट्रेस ले लेनी है, और इसके ऊपर हम ऐसे लंबा लेट जाना है, और पैर को सीधा रखना, हाथ को भी पीछे की तरफ से खुला रखना, यहाँ से ऊपर आना, हमारा टू को से टच करना, और ध्यान रखना हमारा जो नी है ये बिल्कुल फोल्ड नहीं होगा। तो इसी एक्सरसाइज को दोस्तों हम 20-20 का 3 रिपीटेशन करना है, और इसी एक्सरसाइज को हम किसी का हेल्प लेके भी कर सकते हैं, वो भी दिक्कत है। पहले आपको ऐसे लेट जाना है, और आपका जो हेल्प करेगा इसी ने आपको पंजा को ऐसे पकड़ के रखेगा, दबा के रखेगा नीचे की तरफ। आप ऐसे हेल्प लेके भी इसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया, अभी करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में प्लैंक होल्ड। इसी एक्सरसाइज को कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे। पहले ऐसे लंबा लेट जाना है, दोनों हाथ का मुट्ठी को ऐसे बंद रखना है, और बॉडी को बिल्कुल पैरेलल रखना है। यहाँ से जो शुरू शुरू में करेंगे हम 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करेंगे, इसके बाद जैसे डेवलप्ड हो जाएगा बॉडी, इसके बाद हम धीरे धीरे 1 मिनट तक इसको होल्ड करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे होते ख़त्म, अभी करेंगे थर्ड एक्सरसाइज नी बेंड सीट अप। तो दोस्तों ऐसे एक मैट्रेस लेनी नहीं है, इसके ऊपर बैठना है, और हमारा नी को ऐसे फोल्ड करके बैठना है, नीचे लेटना है, हाथ को ऐसे इंटरलॉक करना है, और गर्दन का पीछे लॉक करना है ऐसे। फिर यहाँ से ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, इसी एक्सरसाइज को इसी प्रकार ही जारी रखना है कम से कम 15 से 20 बार इसी एक्सरसाइज को करेंगे। तो दोस्तों इसी एक्सरसाइज को हम 20-20 का 3 सेट करना है। इसी एक्सरसाइज को हम किसी का मदद लेके भी कर सकते हैं, वो कैसे वो भी करेंगे। पहले हमारा जो पंजा है इसको दोनों पैर से दबा के रखेगा, और हमारा जो नी है इसको दोनों हाथ से नीचे की तरफ दबा के रखेगा, और हाथ को गर्दन का पीछे लॉक करके ऐसे ऊपर आना है, फिर दोबारा नीचे जाना है, इसी प्रकार जारी रखना है।
तो इसी प्रकार आप किसी का मदद लेकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अभी हम करेंगे चौथा एक्सरसाइज। चौथे एक्सरसाइज में बैक सीट अप। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम किसी का मदद लेकर करेंगे तब हमारा आसानी से कर पाएंगे। हमारा पैर को स्ट्रेट रखने से और हमारा जो एंकल है इसको ऐसे नीचे की तरफ दबा के रखना, हाथ को इंटर लॉक करके गर्दन में लॉक करना, और जो हमारा अपर बॉडी है कमर से ऊपर तक इसी जगह को हमारा मोमेंट देना है, और हमारा नी को ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है। तो दोस्तों इसी एक्सरसाइज को इसी प्रकार 15-15 का 3 सेट करना है। तो अभी हमारा चौथा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अभी हम 5वां एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग अप सीट अप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज सबसे बेहतर है। हम पहले ऐसे लंबा लेटना है और पैर को ज़मीन से 45 डिग्री एंगल में अप करना है, पंजा को बाहर की तरफ ऐसे खींच के रखना है, और हाथ को ऐसे खुला रखना है, यहाँ से ऊपर आना, अपना पंजा को टच करना। तो इसी एक्सरसाइज को हम 15-15 का 3 सेट करना है। इसी एक्सरसाइज को किसी का मदद लेकर करना है तो वो भी आप कर सकता है। ऐसे अपना पंजा को पकड़ लेना और सेम आपका हाथ पीछे की तरफ खुला रखना, यहाँ से ऊपर आना और अपना पंजा को टच करना। सबसे बेहतर एक्सरसाइज ये है पेट के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार आप घर में बैठे भी इसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं और अपना बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को एक लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में ऑल कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगा।